भाइयों और बहनों, अगर संपूर्ण विश्व के इतिहास को उठाते हैं और विश्व के इतिहास को अगर छोड़ दें, भारत के इतिहास की बात करें, तो भारत के इतिहास में जितनी क्रांतियां हुई हैं, जितना परिवर्तन हुआ है, वो सब युवाओं ने किया है। भगवान राम की बात करें तो भगवान राम ने जब रावण का वध किया तो भगवान राम युवा थे। भगवान श्री कृष्ण की बात की जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो भगवान श्री कृष्ण भी युवा थे। उसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त की बात की जाए तो महानंद का शासन पलटकर भारत को नई दिशा देने वाले चंद्रगुप्त मौर्य भी युवा थे जब उन्होंने महानंद का तख्ता पलटा। उसके बाद आगे की बात की जाए 1857 की क्रांति, जब अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अधिकार किया तो 1857 की पहली क्रांति करने वाले, क्रांति में भाग लेने वाले अधिकतर व्यक्ति युवा थे। और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी साम्राज्य के सीने पर पहला बम फोड़ने वाला खुदीराम बोस मात्र 16 वर्ष की आयु में अपने आप को भारत माता के चरणों में बलिदान कर गया। खुदीराम बोस के बाद करतार सिंह सराभा की बात की जाए तो मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी आहुति दी। उसके बाद ये लिस्ट कोई छोटी नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें शहीद चंद्रशेखर आजाद की, शहीद अशफाकुल्ला खां की, शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की, शहीद भगत सिंह की, तो इन सब ने 16 से 25 वर्ष की आयु में अपनी आहुति दी है। और 1947 में जो हमें आधी अधूरी आजादी मिली, उस आधी अधूरी की आजादी की रक्षा करने में भी, चाहे वो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, चाहे वो भारत चीन का युद्ध हो, जितने भी परमवीर चक्र मिले हैं वो सारे परमवीर चक्र 16 से 30 वर्ष की आयु के सैनिकों को मिले हैं। तो भारत की आजादी की रक्षा में भी सबसे बड़ा योगदान युवाओं का रहा है और युवाओं के आदर्श के रूप में शहीद भगत सिंह को माना जाता है। शहीद भगत सिंह ने 16 मई 1925 को भारत में एक पत्रिका छपती थी मतवाला के नाम से। उस समय क्रांतिकारी अपने नाम से लेख नहीं लिखते थे, उस समय क्रांतिकारी दूसरों के नाम से लेख लिखते थे, किसी झूठे नाम से लेख लिखते थे ताकि अंग्रेजी सरकार उनको पकड़ ना पाए। तो बलवंत सिंह के नाम से मतवाला पत्रिका में मई 1925 में शहीद भगत सिंह ने देश के युवकों के नाम एक आह्वान किया था। युवकों को उनकी शक्ति का एहसास करवाने के लिए भगत सिंह ने एक लेख लिखा था। वो लेख की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। आज 1925 के बाद 2012 में 87 वर्ष बाद भी भगत सिंह का वो लेख आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है और आज भी उस लेख को हर युवा को अपने हृदय में उतारने की आवश्यकता है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में वो लेख समर्पित करता हूं। भगत सिंह लिखते हैं देश के युवाओं को उनकी शक्ति का एहसास करवाते हुए। वो कहते हैं कि युवावस्था मानव जीवन का वसंत काल है, उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे बड़ा गहरा नशा छा गया है। युवावस्था के बारे में भगत सिंह आगे कहते हैं, वो कहते हैं कि युवावस्था ऐसी है जिसमें विधाता की दी हुई सारी शक्तियां सहस्त्र धारा बनकर फूट पड़ती है। मतवाले हाथी की तरह निरंकुश, तूफानी वर्षा की तरह प्रचंड युवावस्था होती है। ज्वालामुखी की तरह उच्छृंखल, भैरवी संगीत की तरह मधुर, उज्जवल प्रभात की शोभा, संध्या की बेला, चंद्रमा की शीतलता, जेठ की तपती, दोपहरी का ताप युवावस्था के भीतर ही है। युवावस्था ऐसी है जैसे किसी क्रांतिकारी की जेब में फटने को तैयार बम का गोला। भगत सिंह आगे कहते हैं कि युवावस्था ऐसी है जैसे किसी क्रांतिकारी की जेब में भरी हुई शत्रु के सीने में गोलियां उतरने के लिए तैयार पिस्तौल। भगत सिंह आगे कहते हैं कि युवावस्था ऐसी है जैसे युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए वीर के हाथ में शत्रु का शीश काटने के लिए तलवार। भगत सिंह आगे कहते हैं कि ये जो युवावस्था के, ये जो 16 से 25 वर्ष की आयु है, ये जो 10 वर्ष हैं, ये अनमोल हैं, ये कभी जीवन में दोबारा नहीं मिलते। और इन 10 वर्षों में भगवान ईश्वर विधाता संसार का सारा साहस युवक के शरीर के अंदर डाल देता है, हार्ड मास के पुतले में बंद कर देता है। भगत सिंह आगे कहते हैं कि 16 से 25 वर्ष की आयु में अगर कोई व्यक्ति बड़ा कार्य नहीं कर सकता तो वो जीवन में कभी कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाएगा। भगत सिंह आगे युवकों को उनकी शक्ति का एहसास करवाते हैं। वो कहते हैं कि युवावस्था देखने में तो सच्चे श्यामला वसुंधरा से भी शीतल है, सुंदर है, लेकिन उसके अंदर भूकंप की भयंकरता छिपी हुई है।
युवावस्था के बारे में भगत सिंह आगे सचेत भी करते हैं। वो कहते हैं कि युवावस्था में मनुष्य के सामने दो ही मार्ग हैं, वह चाहे तो उन्नति के शिखर पर चढ़ सकता है और अगर वह गिरना चाहे तो पतन की गहरी खाई में गिर सकता है। युवावस्था चाहे, युवक चाहे तो त्यागी बन सकता है, चाहे तो विलासी बन सकता है। युवक चाहे तो देवता बन सकता है, युवक चाहे तो पिशाच बन सकता है। युवक चाहे तो आतंकवादी बनकर सारे संसार को भयग्रस्त कर सकता है और युवक अगर ठान ले तो योद्धा बनकर अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। भगत सिंह आगे कहते हैं कि सारे संसार में युवक का साम्राज्य है, युवक के कीर्तिमानों से पूरा इतिहास अटा पड़ा है। युवक रणचंडी की ललाट की रेखा है, युवक स्वदेश के यश की दुदुम्बी है, युवक ही स्वदेश का मेरुदंड है। भगत सिंह आगे कहते हैं कि युवक महाभारत के भीष्म पर्व की पहली ललकार के समान विकराल है, युवावस्था भक्त प्रहलाद के सत्याग्रह की तरह दृढ़ और अटल है। भगत सिंह आगे कहते हैं कि अगर किसी को बड़े दिल की आवश्यकता हो, विशाल हृदय की आवश्यकता हो, बलिदान की आवश्यकता हो तो उसको युवकों का दिल टटोलना पड़ेगा। भगत सिंह आगे कहते हैं कि अगर किसी को आत्मत्यागी वीर की आवश्यकता हो, किसी को राष्ट्र की रक्षा बनाने के लिए सेना बनाने के लिए योद्धाओं की आवश्यकता हो तो उसको युवकों से मांगना पड़ेगा, युवकों के सिवा और कहीं बलिदानी वीर नहीं मिल सकते। भगत सिंह आगे कहते हैं कि भगवान की अद्भुत रचना है युवक, युवक का उत्साह विचित्र होता है, वह निश्चिंत है, वह असावधान है, वह बेपरवाह है, वह एक बार लगन लगा ले, एक बार संकल्प कर ले तो रात रात भर जागना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, मीलों दूर तक पैदल चलना उसके दाएं हाथ का खेल है। वह चाहे तो अपने देश और अपनी जाति को इतना ऊपर उठा दे, वह चाहे तो बड़े बड़े साम्राज्यों को गिरा दे। पतितों के उत्थान और संसार के उद्धार के सूत्र युवक के ही हाथ में है। अगर रक्त की भेंट चाहिए तो युवक के सिवा और कोई नहीं दे सकता। अगर तुम बलिदान चाहते हैं तो तुम्हें युवक की ओर देखना पड़ेगा। प्रत्येक राष्ट्र व जाति का भाग्य विधाता युवक ही होता है, यह शहीद भगत सिंह ने आज से 87 साल पहले लिखा। शहीद भगत सिंह आगे कहते हैं कि सारे संसार के इतिहास के पन्नों को पलटकर देख लीजिए, जितनी क्रांतियां हुई हैं वो सारी क्रांतियों का इतिहास युवक के रक्त से लिखा गया है, युवाओं के बलिदान से लिखा गया है। सच्चा युवक, युवक की पहचान क्या है? आगे भगत सिंह कहते हैं कि 16 से 25 वर्ष का हर युवक सच्चा युवक नहीं होता। सच्चे युवक की पहचान क्या है? तो भगत सिंह कहते हैं कि सच्चा युवक बिना किसी भय के मृत्यु का आलिंगन करता है। सच्चा युवक संगीनों के सामने बैठकर गीत गा सकता है। सच्चा युवक तोप के सामने अपना सीना खोलकर डट सकता है। सच्चा युवक बेड़ियों की झनकार पर राष्ट्र गान गाता है। सच्चा युवक जेल की चक्की को पीसते हुए उद्बोधन के मंत्र सुनाता है। सच्चा युवक जेल की काल कोठरी के अंधकार में रहता हुआ स्वयं की युवावस्था की आहुति देता हुआ अपने राष्ट्र को अंधकार से निकालता है। आगे भगत सिंह युवाओं से आह्वान करते हैं। 1925 में जो उन्होंने आह्वान किया वो आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। तो भगत सिंह युवाओं से क्या आह्वान करते हैं? वो कहते हैं कि हे भारतीय युवक, तू क्यों गफलत की नींद में बेखबर सो रहा है? उठ, आंखें खोल, देख, पूर्व दिशा से सूर्य उग रहा है। अब और अधिक मत सो, अब अगर सोना है तो मृत्यु के आगोश में सो। कायरता की गोद में क्यों सोता है? उठ, मोह ममता को त्याग कर खड़ा हो जा। तेरी माता, तेरी प्रातस्मरणीय, तेरी परम वंदनीय, तेरी जगदम्बा, तेरी अन्नपूर्णा, तेरी त्रिशूल धारणी, तेरी सिंहवाहिनी, तेरी शस्य श्यामला, तेरी भारत माता आज घायल पड़ी फूट फूट कर रो रही है। अगर तेरे दिल में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो उठकर खड़ा हो जा और अपनी मां के दूध की लाज रख। ये भगत सिंह के की कुछ पंक्तियां हैं
जो मैंने आपके सामने सुनाई, और भगत सिंह का यह आह्वान है कि अब देश की रक्षा के लिए हमें पूज्य स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में खड़े हो जाना चाहिए और अपने आप को आहूत कर देना चाहिए। पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन।